विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनौरिया ने कांगड़ा के ज्वालाजी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में धर्म के नाम पर अनेक संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जो कि चिंताजनक है। इन घटनाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी थाना ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। नीरज ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से काम करने के लिए आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई और कहा कि यहाँ पर बाहर से आने वालों का पंजीकरण होना अनिवार्य होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनौरिया ने कांगड़ा के ज्वालाजी में कहा कि प्रदेश में धर्म के नाम पर अनेक संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जो कि चिंताजनक है। प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि पहले ऐसी घटनाएं यहां पर सुनने को भी नहीं मिलती थी। इन घटनाओं की संख्या इतनी है कि कोई भी थाना ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। इसके अलावा चोरी छिपे धर्मांतरण के अनेक समाचार सुनने को मिलते हैं। नीरज ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से काम के लिए आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि यहाँ पर बाहर से आने वालों को पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले एक धर्म विशेष के लोग ही अधिक हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, उनके बारे में कुछ आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वे कहां से आए हैं। बाहर से आए ये लोग हर प्रकार के व्यवसायों पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि हिमाचल के बच्चे बेरोजगार हैं। उनका कहना था कि वे सरकार से भी आग्रह करेंगे कि छोटे व्यवसायों को कौशल विकास के अधीन लाकर यहां के युवाओं को इसमें लगाना चाहिए, ताकि रोजगार यहां के बेरोजगार लोगों को मिले, न कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को। धनौरिया का कहना था कि प्रदेश को सेब प्रदेश मानकर यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का आना हो रहा है। ये लोग झुंगी झोंपड़ियों में रहकर भी मस्जिद और मजार बनाने के कामों में अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व नूरपुर के एक जगह में मामला हाल ही में सामने आया है। उन्होंने बताया कि किसी भी हालत में प्रदेश को मस्जिद और मंजार भूमि नहीं बनने देंगे। वही नीरज ने बताया कि गाय को हमारे हिंदू समाज में माता के रूप में पूजा जाता है और विश्व हिंदू परिषद देश भर में 60,000 गौशालाएं चला रहा है। उन्होंने गौवर्धन बोर्ड जैसे सरकारी प्रयासों की भी प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि सरकार की सहायता से गौ संवर्धन के प्रयास जमीनी स्तर पर भी कामयाब होंगे। अगर जिन लोगों की यहाँ पर आईडेंटिटी नहीं है, जिनने सरकारी जमीन खरीदी नहीं है, जिन्होंने कोई निजी जमीन भी खरीदी नहीं है, वो सरकारी जमीन पर कोई भी अपना चर्च या कोई भी अपना मजार या कोई मस्जिद या पीर बाबा कैसे बना सकता है। हिमाचल में 99% लोग तो हिंदू हैं, फिर बाकी लोग यहाँ इस पे अचानक आकर के कैसे सरकारी भूमि पर कब्जा करके और वह मजार की कोशिश करेंगे। तो सरकारी भूमि तो समाज की भूमि है, सरकार की भूमि है, उस पर तो कब्जा नहीं करने देंगे। वह सरकार की भूमि खाली कराएं, मुक्त कराएं, इसके लिए प्रशासन से मिल भी रहे हैं, अवस्था पड़े मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मस्जिद मजार की भूमि नहीं बनने देंगे। क्योंकि जहां पर रहता बहुत में हिंदू समाज है, वहां पर जो लोग आश्रित होकर के आए हैं, 118A के अंतर्गत भी नहीं ले सकते हैं, वो तो वह जमीन खरीदे पर बनाता बात समझ में आती है, अनुमति लेके आता बात समझ में आती है, डीसी से परमिशन ली होती तो बात समझ में आती है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद डीसी के बिना परमिशन के कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बन सकता। फिर ये कैसे बना सकते हैं जिनका यहाँ का आधार कार्ड भी नहीं है, यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। फिर जो बनाएगा वो अवैध है, अवैध है तो तोड़ा भी जाएगा, गिराया भी जाएगा। हिंदू समाज को संगठित करना, जागरूक करना, जो मैंने हिंदू पंचायत की बात की, संपर्क की बात की, वो इसीलिए की है, हम समाज को बताएंगे खतरे का उत्पन्न हो गए। और लव जिहाद की घटना हिमाचल में कभी नहीं सुनती थी, कोई थाना नहीं है जहां पर एक दो घटनाएं नहीं दर्ज है। अगर इन घटना को खोलेंगे तो 400-500 से ऊपर लव जिहाद की घटना हिमाचल में पिछले 5 साल में घट चुकी है। हम समाज के बीच में इन घटनाओं को लेकर के हिंदू पंचायत के रूप में उनको दिखाएंगे, बताएंगे फेरी वाले लोग क्या कर रहे हैं, दर्जी क्या कर रहे हैं,